तो मित्रों ये हमारे रूम कंप्यूटर सारे ऑफ है। मैं अभी अभी सो के उठा एंड मैं आया हूँ वीडियोस बनाने। पता नहीं क्या वीडियो, ये है प्ले बटन एंड फेस देखने की कोशिश आप लोग करते हो यार। ये हमारा गोल्डन प्ले बटन एंड इसकी जो मैं आपको अभी कहानी बताने वाला हूँ ना, लिटरली काफी ज्यादा मजा आएगा। मतलब पता नहीं क्यों मैं घूम फिर के अपने सेटअप में ही आ जाता हूँ। आज मैं आपको इसकी पुरानी एक दर्द भरी कहानी बताने जा रहा हूँ। बाकी यार फेस रिवील बहुत जल्द होने वाला है, 4 मिलियन में जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं इसकी दर्दनाक कहानी। तो बात है उस जमाने की जब मैं था एक छोटा सा बच्चा, उतना भी छोटा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था। हमारे YouTube चैनल पे थे 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आज से डेढ़ दो साल पहले की बात होगी। अब देखो एक यूट्यूबर की जिंदगी में 1 लाख सब्सक्राइबर होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड जैसे ही उसके 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने प्ले बटन के लिए। सिल्वर प्ले बटन उसको मिलने का होता है एंड वो होता है एक सबसे पहला रिवार्ड, एक अचीवमेंट के तौर पे, एक बहन अंग्रेजी की ऐसी की तैसी, एक बहुत अच्छा जो भी होता है यार वो चाहिए होता है एक यूट्यूबर को। अच्छा। तो वो क्या करता है, 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही जाता है यूट्यूब के पास और कहता है मैं बहुत गरीब हूँ यार, प्लीज यूट्यूब मेरा जो पत्थर के कलर का होता है ना, वो क्या होता है वो बटन, वो शर्ट का बटन नहीं, वो जो सिल्वर बटन होता है ना वो मुझे दे दो यार, बहुत गरीब हूँ यार, मेरे मम्मी पापा यार बहुत गरीब हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपका भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यार, ऐसे बेइज्जती नहीं करवा के आता। मैं गया यूट्यूब के पास, हाँ अगर आप लड़की हो तो मैं आपका भाई नहीं हूँ, हाँ तो हम कहाँ थे, मैं गया यूट्यूब के पास नहीं, यूट्यूब पे गया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू मिलेगा योर प्ले बटन, तो मेरे को वहाँ पे पता चला कि ऊपर में एक क्लेम का ऑप्शन आ जाता है। अब भाई मैंने इंतजार किया, हमारे 1,10,000 सब्सक्राइबर हो गए, 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, हमारा चैनल हैक हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पास क्लेम का ऑप्शन नहीं आया। चैनल वापस आ गया, 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अभी तक क्लेम का ऑप्शन नहीं आया। जो रिवार्ड मेरे को 1 लाख पे मिलने वाला था वो मेरे को 4 लाख तक नहीं मिला। अब मैं क्या किया, अब मैं गया यूट्यूब के पास। क्या रे भीख मंगया, 4 महीने हो गए प्ले बटन दो मेरा, हलवाई क्या क्या दिख रहा है प्ले बटन निकल। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने उनको बोला कि इतने दिन हो गए अभी तक मेरे पास क्लेम का ऑप्शन नहीं आया, तो यार क्या कर रहे हो ये सब, मेरे को दो यार, मेरे को चाहिए वो बहुत जोर से चाहिए मेरे को प्ले बटन। फाइनली उन लोगों ने बोला कि हम आपको 1-2 दिन के अंदर क्लेम का ऑप्शन देंगे, आप वहाँ से आराम से अपना प्ले बटन क्लेम कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे मन मन में बहुत ज्यादा गाली दिया, इतने दिन से क्या कर रहे थे भाई, घोड़े बेच के सो रहे थे क्या। खैर अब मिलने वाला है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, 1 लाख का रिवॉर्ड जब 4 लाख पे मिलेगा तो इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा ही। इंतजार जो होता है ना, इंतजार किसी चीज का, किसी का इंतजार करना एक बहुत ही अबे जल्दी बोल। फिर हमारे पास आ गया ऑप्शन, हमारे पास एक कोड आया, कोड को डालना पड़ता है एंड अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ डालना पड़ता है। सब कुछ कर दिया मैंने, सब कुछ, अपने एड्रेस को 335 बार चेक किया मैंने। क्या बात है सर, असली कहानी तो अब शुरू होती है। मुझे क्या लगा 10-12-20-25 दिन के अंदर कम से कम आ तो जाएगा हमारा प्ले बटन, लेकिन 10-12 दिनों के बाद मुझे एक कॉल आता है। जल्दी उठा फोन, देख किसका फोन है। हेलो कौन? मैं UPS पोस्ट मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपके लिए ना एक पार्सल आया है US से। कहाँ, मेरे घर के बाहर खड़े हो आप? नहीं 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 सर, मैं घर के बाहर नहीं, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मुंबई पर हूँ। मेरा प्ले बटन कितने दिन में आ जाएगा सर? सर यही कुछ 10-12 दिन। सर माँ कसम खा के बोलो 10-12 दिन से लेट नहीं होगा सर, सर माँ कसम खा लो। अबे साले तेरे को पार्सल नहीं चाहिएगा? नहीं तू फोन रख दे, आप मिलेगा ही नहीं तेरे को, तू फोन रख। सर कॉल क्यों कट, सर हेलो। अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि 10-12 दिन के अंदर हमारे पास आने वाला था हमारा पहला प्ले बटन। मस्त मैं पूरे मोहल्ले के बीच में दौड़ता फिर रहा हूँ, घूमता फिर रहा हूँ भाई, मिठाई बांट रहा हूँ सब में, चॉकलेट खा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा था यार। 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, भाई 1 महीना होने को आया। हमारे घर में एक ही रिश्तेदार 3 बार आके वापस चले गए लेकिन अभी तक प्ले बटन नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया मुंबई UPS, तो मेरे को क्या पता चला, नया नया लॉकडाउन लगा है, कहीं से भी आना जाना कोई भी डिलीवरी ये सब रुकी हुई है। तो उन लोगों ने बोला कि आपका जो पार्सल है वो कोलकाता में जाके रुका हुआ है। चलो भाई ठीक है, कोलकाता तक तो पहुंचा, पहले US से मुंबई पहुंचा, मुंबई से कोलकाता पहुंचा, अब कोलकाता से मेरे घर कब तक आएगा। फिर उन्होंने कोलकाता का नंबर दिया, मैंने कोलकाता में कॉल करके पूछा कि सर हमारा जो प्ले बटन है वो कब तक आएगा, हम बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हमारी गर्लफ्रेंड खाना नहीं खा रही, प्ले बटन देख के खाएगी बोल रही, क्या करे सर, सर जल्दी से भेज दो ना। सामने से भाई वो भी बहुत ज्यादा रोने लगा, भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड है यार, लॉकडाउन है यार, मैंने 5 दिन से अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा यार, यार तुम मेरा दुख नहीं समझ रहे यार। मैंने बोला सर वो सब गया तेल लेने, पहले आप मेरा प्ले बटन भेजो। उसने बोला कि आपके शहर तक तो ये पहुंच नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, अभी लॉकडाउन के चलते आपके शहर तक ये जा ही नहीं सकता, असंभव। ये जो प्ले बटन है ये आपके बगल
बगल वाले शहर तक पहुंच सकता है। मैंने बोला ठीक है यार, हमारे शहर मत भेजो, मेरे बगल वाले शहर में ही भेज दो। मेरे पापा के कोई रिश्तेदार रहते थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि हाँ आपके घर में 2-4 दिनों के अंदर एक पार्सल आएगा, उसको आप हमारे घर भिजवा देना। फिर उस रिश्तेदार का मैंने सारा कुछ डिटेल्स, फोन नंबर एंड एड्रेस सारा कुछ मैंने भेज दिया कोलकाता। ठीक है भाई, अब मैं खुश हूँ कि 2-4 दिन के अंदर यार आएगा, प्ले बटन जिंदा है, आएगा हमारे पास ही आएगा। देखते ही देखते 8 दिन बीत गया। ठीक 8वें दिन मैंने जो मेरे को जो ट्रैकिंग आईडी दिया गया था, जिससे मैं ट्रैक कर पा रहा था कि ये अभी डिलीवर हुआ है, कहां तक पहुंचा है कहां तक नहीं पहुंचा है, तो मैंने क्या देखा, हमारा जो पार्सल था वो डिलीवर हो गया। What? भाई बहुत अच्छी बात है। मैंने कॉल किया रिश्तेदार को कि अंकल मिला क्या वो आपको? अंकल ने बोला नहीं, मेरे दिल के 4,520 टुकड़े हो गए। मैं बोल रहा हूँ भाई गया तो गया कहां, किसको डिलीवर कर दिया, कहां चला गया, उड़ गया क्या? मैंने फिर से उस कोलकाता वाले को कॉल किया, सर सर कहां आया, डिलीवर हो गया लेकिन हमें नहीं मिला, कहां गया वो, किसको डिलीवर करके आ गया? तो उसने बोला मुझे नहीं पता, डिलीवर हो गया मतलब डिलीवर हो गया। भाई जब आपको फोन नंबर दिया गया है, आपको एड्रेस दिया गया, तो एड्रेस पे जाके कॉल करो ना, क्या मतलब दिमाग है कि क्या है तुम्हारे? सब के सब चोर है साले। मैंने उस अंकल को बोला, अंकल अगर आपके आसपास आपके ही नाम का अगर कोई होगा तो उसके पास चला गया होगा, या फिर आपके अगल बगल में किसी को दे दिया होगा, आप प्लीज थोड़ा कॉन्टेक्ट करिए, थोड़ा पता करिए, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने पापा को भी बोला कि अच्छे से उनको समझा दीजिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। एंड ये सारा कुछ करने के बाद 1 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मतलब मैंने सोच लिया था कि ये प्ले बटन अब मुझे नहीं मिलने वाला। अगले दिन मतलब 2 दिन बीत गए टोटल, वो कांड डिलीवर हुए, 2 दिन बीत गए, फिर कॉल आता है उस अंकल का। ये जो प्ले बटन है ये डिलीवर हुआ था उन्हीं के नाम से, एक और इंसान रहता था वहां पे उसके पास। क्या बात है सर। अब मेरे को लगा चलो यार मिल तो गया, लेकिन उसकी माँ बहन कर दी होगी उसने, उस इंसान ने जिसको ये मिला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यार, लिटरली उसने पार्सल खोला तक नहीं था। उसने बोला कि किसी और का पार्सल हम क्यों खोले, मतलब यार इतने अच्छे इंसान भी इस धरती पे रहते हैं क्या? 2 दिन तक उसने सबर कैसे कर लिया, 2 दिन तक उसने उसको वैसी का वैसी रख दिया यार। मतलब कैसे, मतलब मेरे पास आता ना किसी का पार्सल, मैं तो डायरेक्ट खोल के देखता अंदर है क्या। खैर जो वो अंकल थे उनके पास वो चीज पहुंच गया था, एंड वो अंकल अब हमारे शहर में हमें वो चीज भिजवाने वाले, मतलब प्ले बटन भिजवाने वाले थे। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश था, अब 1-2 दिन के अंदर हमारा प्ले बटन मिल जाएगा। लेकिन 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 दिन बाद उन्होंने भिजवाया, क्योंकि लॉकडाउन था एंड लॉकडाउन में आना जाना बहुत ज्यादा, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब हम घर से बाहर निकलते थे तो पुलिस हमें मार मार के अंदर भेजते थे। और आखिरकार फाइनली हमें हमारा प्ले बटन जो है सिल्वर वाला वो मिल गया था। एंड आप हमारे सेटअप में देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम था ना, एंड लॉकडाउन भी था, मेन बात तो वो है। तो फाइनली हमें मिल गया, एंड यही तक थी हमारी दर्दनाक दुख भरी कहानी। एक और दर्दनाक बात बताऊं आपको मैं, हमारा जो एक और चैनल है फायर आइस के नाम से, उस पे भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर कितने करोड़ साल पहले हो गए, अभी तक उसका प्ले बटन नहीं आया। मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कब किया था, कम से कम 4-5 महीने हो गए मैंने प्ले बटन के लिए अप्लाई किया था, मेरे को ना अभी तक ना एक कॉल आया ना कुछ आया, वो मुंबई के UPS वाले का तक कॉल नहीं आया। यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट भेज दो ना, डायरेक्ट घर पे आके डिलीवरी दे दो, नहीं तुम लोगों को कॉल करना है, यहाँ भिजवाना वहाँ भिजवाना यही सब करना है। खैर देखो अब कब तक आता है उस चैनल का प्ले बटन, एंड फिर यहाँ पे 3-3 प्ले बटन हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी यार आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमारे 4 मिलियन हो भी चुके होंगे, हमारा फेस रिवील हो भी चुका होगा, अगर नहीं हुए तो कर दो जल्दी से, एंड हो गए तो भी यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी मजा आया वीडियो को देख के, वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे सारी लाइट्स जल चुकी है, एंड जल जा भाई। अरे मच्छर भैया तुम कहाँ से आ गए? हम दोनों एक साथ आ गए हैं। बा, 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 बा। अरे राजा जी 1, 2, 3। अरे नहीं बहन। ओके गाइस फाइनली हमने यहाँ पे कर दिया इसका काम खत्म, ठीक है, इसको बिल्कुल यहाँ चिपका दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।